जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर कुर्था वाया जनकपुर के बीच ट्रेन चलाने के लिए हुआ ट्रायल, बोले डीआरएम इलेक्ट्रिक लिफ्ट जयनगर और मधुबनी में भी जल्द लगेगी। समस्तीपुर रेल डीआरएम अशोक माहेश्वरी द्वारा मधुबनी स्टेशन एवं जयनगर का निरीक्षण किया गया। जयनगर से वाया जनकपुर कुर्था तक सवारी गाड़ियों का परिचालन जुलाई माह के अंत तक प्रारंभ होने की उम्मीद जगी है। इस दौरान डीआरएम के साथ दोनों स्टेशन के स्टेशन मास्टर सहित अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के पश्चात नेपाल रेलवे की ओर से जुलाई माह के अंत तक सवारी गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ कर दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। नेपाल सरकार की ओर से परिचालन को लेकर पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। नेपाल रेलवे परिचालन को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर चुका है। 6 महीना पूर्व ही नेपाल रेलवे बोर्ड द्वारा 84 करोड़ की लागत से कोंकण रेलवे से एक जोड़ी डेमो ट्रेन की खरीद की जा चुकी है। कोंकण रेलवे द्वारा ही नेपाल रेलवे की ओर से गाड़ी परिचालन को लेकर बहाल किए गए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कोरोना संकट और नेपाल में जारी राजनीतिक उथल पुथल के कारण जयनगर वाया जनकपुर कुर्था तक सवारी गाड़ी के परिचालन में विलंब होने की बात कही जा रही है। ट्रेन का परिचालन प्रारंभ होने की खबर से दोनों देश के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में प्रसन्नता का माहौल है। बता दें कि जयनगर से वाया जनकपुर बर्दीबांस तक 65 किलोमीटर में अमान परिवर्तन का कार्य भारतीय कंपनी इरकॉन के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रथम चरण में जयनगर से कुर्था तक 31 किलोमीटर में कार्य को पूरा कर परिचालन प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो अब पूरा होने वाला है। वहीं डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने मधुबनी स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम ने साफ सफाई, पार्सल रूम, जेनरेटर कक्ष सहित कई चीजों का निरीक्षण किया एवं सुविधाओं के विस्तार के लिए स्टेशन मास्टर एवं पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यात्रियों के लिए स्टेशन पर कई तरह की सुविधा बढ़ाई जाएगी। तत्काल टिकट यात्रियों को बिना असुविधा के मिले उस पर भी विचार किया जाएगा। मधुबनी स्टेशन पर शीघ्र ही यात्रियों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक लिफ्ट लगाया जाएगा। सेक्शन में एक जनरल इंस्पेक्शन करना है और थोड़ा सा औचक निरीक्षण भी करना कि स्टेशन पे कैसी व्यवस्था है, साफ सफाई, पैसेंजर रिजर्वेशन या पैसेंजर अमेनिटीज, इन सब का और प्लस मेंटेनेंस जो हमारी चलती है उसको देखना, उसके अलावा सुरक्षा उपाय, ये सब मिला जुला रहता है जो सब तरह का होता है तो उसी के क्रम में निकले। और उसके अलावा आज का दिन ऐतिहासिक है, जब हमारा जयनगर से इंडो नेपाल रेल लिंक चालू होने की प्रथम कड़ी में वहां पर आज स्पीड ट्रायल हो रहा है इंजन से, और उसके बाद बाकी स्टेजेस जो होते हैं सीआरएस निरीक्षण, उसके बाद इनोग्रेशन, ये सब बहुत जल्दी होने वाली है तो उसका भी एक बार हम देखना चाहते थे। भारतीय रेल के द्वारा उसको काफी उसमें काम में तेजी लाई गई है और इंडो नेपाल बॉर्डर पर शीघ्र ही कोई ना कोई चेंज चालू होने की संभावना रहेगी। सर, ज्यादातर देखा जाता है कि अभी इस बीच में काउंटर्स जो है वो एक प्राय चालू रहती है, जो रीजन रहो, अगर मान लीजिए रेगुलर हो जाने से पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा सुविधा मिल सकती है। और दूसरी चीज, जो एक सब्बे है जो ट्रेन अचानक शिफ्ट हो जाता है स्टेशन पे, तो पैसेंजर्स को जो लोडेड पैसेंजर्स हैं लगेज लेके चढ़ाने उतारने, इसकी भी अगर सुविधा अगर निकट भविष्य में होती तो पैसेंजर्स को फायदा। इसके लिए आपको बता दो, मधुबनी स्टेशन जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण स्टेशन है, इस पर हम इलेक्ट्रिक लिफ्ट की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 आइलैंड है ना सर, इस पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे खासकर जैसे भरत अपंग और इस तरीके के फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन जो होते हैं, दिव्यांग जो होते हैं, इनको बहुत दिक्कत आती है वर्तमान में, इनके लिए सुरक्षित तरीके से और आसानी से अपने सामान के साथ एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक लिफ्ट इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत कराया गया है और उस पर जो है मतलब उस पर शीघ्र ही कार्य चालू किया जाएगा। एजेंसी फिक्स हो गई है और अभी उसका डिजाइन अप्रूवल जैसे ही होता है तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क चालू हो जाएगा और बहुत ही जल्दी यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिफ्ट का कार्य कमीशन।